नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजय इंटरनेट पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी आंगनवाड़ी भर्तियों में। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अब देखते हैं कि बहुत सारी मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट आती थी कि सर बाराबंकी में कब आएंगे और बांदा में कब आएंगे। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आपके ज़िले में भर्तियाँ आ चुकी हैं। तो दोस्तों, उसकी फुल जानकारी इस वीडियो में आपके लिए दूंगा कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे और कैसे पता करेंगे कि हमारी पंचायत पर कौन कौन सी वैकेंसी खाली हैं। और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आरंभ तिथि कितनी है और अंतिम तिथि कितनी है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे कि आपको कोई फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ दोस्तों, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, मेरी वीडियो को 70% से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब करे हुए। तो दोस्तों, मैं उनसे एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और चलो चलते हैं मोबाइल की। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, और आने के बाद आपको आपके मोबाइल में कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में डाल देना होगा दोस्तों, balvikasgov.in। तो दोस्तों, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही वेबसाइट के इस पेज पर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस वेबसाइट को डालते हैं और आपके सामने इस तरह से इंटरफेस एक सामने आ जाता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके लिए बता दूँ कि हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड, तो दोस्तों जैसे ही हम डेस्कटॉप मोड पर लेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह से 3 डॉट का एक आइकन होगा, आएगा आपके सामने, और इस पर हमको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से एक पेज लिंक आपको सामने दिखाई देगा दोस्तों, डेस्कटॉप साइट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली आपका पेज चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको ऊपर को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से ये बाल विकास सेवा योजना पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इस तरह से जो आंगनबाड़ी का पेज है वेबसाइट का, इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको थोड़ा, तो यहाँ पर इतने सारे 2-4 ऑप्शन खुल के आते हैं, अबाउट अस स्कीम, एक्ट्स एंड रूल्स, कॉन्टैक्ट अस। तो दोस्तों, इनमें किसी ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ जाना है आपको रिजर्वमेंट वाले ऑप्शन पे। इस पर हम क्लिक करेंगे और आपके सामने मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं आपके सामने थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, तो जैसे ही मैं जूम करूँगा और इस तरह से एप्लीकेशन फॉर एक मैसेज शो होगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर यानी आंगनवाड़ी हेल्पर, इस वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों हमारे दिशा निर्देश हैं, इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप आवेदन करते हैं तो इनकी जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। नहीं तो मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती हैं भाइयों की, कि बोलते हैं कि हमारा फॉर्म गलती हो गई है, क्या दोबारा भर सकता है सर या नहीं। तो मैं उसके लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि दिशा निर्देशों को पढ़कर ही आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम उसको ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पूरा बायोडाटा देता है कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये सारे दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर येस और नो देगा, या आपने दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है या नहीं। पर आप पढ़ लिया है तो येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो आपने नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने पढ़ लिया है तो यहाँ पर हम येस पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल ही। तो इस पे ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने खुल के आ जाता है इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी बांदा और बाराबंकी ज़िले में आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन पे हम आवेदन करते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों, हम पहले बांद्रा में देख लेते हैं, बांदा में सॉरी। तो जैसे ही हम इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक ब्लॉक का नाम यानी परियोजना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर ग्रामीण या शहरी,
और यहाँ पर ग्राम पंचायत, कोई सी भी एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जैसे ही आप ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके पंचायत पे कौन से पद खाली हैं वो एकदम यहाँ पर पद का नाम पे शो होकर आ जाएगा। और यहाँ पर शो होने के बाद आप ही सर्च पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे उस तरह से आपके सामने एक नीचे की ओर एक पेज ओपन होकर आ जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर आपका सब कुछ दिया होता है, बायोडाटा, बांध है, ज़िले का नाम है और ब्लॉक का नाम, और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपकी आरंभ तिथि है 11/6/2021 और लास्ट डेट है दोस्तों 28/6/2021, यानी 11 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और 28/6/2021 को लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपके सामने ये अप्लाई का फॉर्म दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा देखते हैं किस कौन सा पेज आपके सामने खुल गया था। तो दोस्तों ये आया पंजीकरण का। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर हम मोबाइल नंबर को डालेंगे इसमें दोस्तों मोबाइल नंबर और DOB, और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप OTP क्लिक करेंगे वो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज शो होकर आएगा और उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में डाल देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है दोस्तों। आगे की ओर आप फॉर्म फिल करो, या आप नहीं कर पाओ तो आपके पास नज़दीकी में कोई साइबर कैफ़े हो वहाँ पर आप जाके करवा सकते हैं। मैं तो दोस्तों आपको एक न्यूज बताना चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके कि कौन कौन से ज़िलों में आवेदन शुरू हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।